हेलो एवरीबॉडी सो वेलकम अगेन और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फायरबेस डेटाबेस के बारे में अगेन हमने साइन अप ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और अब हम बात करते हैं फायरबेस डेटाबेस की Firebase Database is most widely मोस्ट वाइडली यूज कॉन्सेप्ट इन फायर और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिम्पल है अगर आपने इसके चंद बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने इसके ऊपर कर्ड्स ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, तो आप किसी भी किस्म का डेटा बेस इसके अंदर ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं सो so अगेन um, इसमें इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट डेटा बेस सिखाऊंगा फायर विच डेटा बेस ठीक है कम्प्लीट फायर बेस डेटा बेस सो इनिशियली मैं आपको सिखाऊंगा आप डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से अगर एक यूजर साइनअप के टाइम पर साइनअप कर रहे हैं तो आप उस यूजर से रिलेटेड डेटा जो है वो किस तरह से फायरब्रिस् डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं दैन मैं आपको फैच करना सिखाऊंगा अब फायरब्रस डेटाबेस को फैच करने के दो तरीके हैं एक है आप सिंपल उसमें फायरबेस हमारे पास फायरबेस एनिमेटेड लिस्ट व्यू बिल्डर्स हैं सेकेंड है स्ट्रीम बिल्डर वो सिखाऊंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरह से आपके पास एक एग्जिटिंग डेटा है आप उसको किस तरह से अपडेट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो सो so, ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो इस सीरीज़ में आप लोग आप लोग इस फायरबेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में सीखने लगे सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ और तमाम लिंक्स जो वो box given है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सो अगेन आई एम ऑन माई लॉग इन स्क्रीन मैंने लॉग आउट कर लिया था लास्ट वीडियो से एट द रेट अब मैं अपनी ई के साथ लॉग हो जाता हूँ ठीक है सो जी मेल डॉट कॉम एंड यहाँ पर आ जाता हूँ पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगेन मैं लॉग कर लेता हूँ और जैसे ही मैं लॉग इन यू विल सी कि मैं हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ यू यहा यह पोस्ट और पोस्ट स्क्रीन के ऊपर मैं हूँ ठीक है सो पोस्ट स्क्रीन में एक्शन बटन से कुछ यहाँ पर देखें लॉग आउट मैंने आपको करवाना सिखाया था अब यहाँ पर आपने क्या करना है आपने आ जाना है स्काफल्ड ये देखें स्काफल्ड है और यह है ऐप पार और एप पार में यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन में आ जाना है ठीक है सो फ्लोटिंग एक्शन बटन एक्सेप्ट फ्लोटिंग एक्शन बटन फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्शन बटन फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली सो फ्लोटिंग एक्शन बटन सेलेक्ट करें ठीक है सो इट इज एक्सपेक्टिंग Floating action, come on. Floating action button. This one, or now it is expecting on press method. Okay, so on press. फंक्शन बेसिकली ना सो आप इसको ये प्रोवाइड कर दें देन आप इसको यहाँ पर चाइल्ड प्रोवाइड कर दें आप यहाँ पे कॉमा ऐड कर दें अगेन और यहाँ पे चाइल्ड और चाइल्ड में आप इसको यहाँ पर सो फॉर एग्जांपल आइकन ऐड कर दें ठीक है सो so, मैं आइकन क्यों ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि अब हम यूज़र से ना कुछ टेक्सट लेंगे और उसको हम फायर बेस्ट डेटा इसके ऊपर हम स्टोर ऐड uh, करेंगे ठीक है इंसर्ट करेंगे स्टोर करवाएंगे सो आइकन डॉट ऐड कर दें यहाँ पर ठीक है ऐड कर दिया और अब देखें आपके पास यहाँ पर फ्लोडिंग एक्शन बटन आ गया नाउ आई वॉन्ट के यहाँ पर मैं एक स्क्रीन क्रिएट करूँ जहाँ से मैं पोस्ट को ऐड कर सकूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इसको हम पोस्ट का नेम दे रहे हैं यूज़र so, एक पोस्ट कर रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐड एंड स्को पोस्ट ओके सो पोस्ट अब मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ मटीरियल ओके एंड यहाँ पर देख लें स्टेट फुल विजट एंड ऐड पोस्ट की मैं यहाँ पर ऐड पोस्ट स्क्रीन और इसको मैंने सेव कर लिया स्कैफल विजिट स्कैफल्ड में बॉडी बॉडे बॉडी में कॉलम एज यूजुअल ओके एंड देन कॉलम में चिल्ड्रन चिल्ड्रन ओके दैट्स इट सेव कर लिया आप पर यहाँ पर आप पॉल में टाइटल और टाइटल में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी टेक्स्ट टेक्स्ट में हम इसको प्रोवाइड कर देंगे सो फॉर एग्जांपल ऐड पोस्ट ओके एंड देन पोस्ट स्क्रीन में आप आ जाए और यहाँ फ्लोरिंग एक्शन बटन में यहाँ पर आप इसको नेविगेटर और डॉट नेविगेटर एंड यहाँ से आप इसको पुश करवा दें ठीक है सो पुश एंड देन आप यहाँ पर इसको यूज कर ले मेटीरियल पेज राउट एंड देन कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से आपने कहाँ पर जाना है आपने जाना है एड पोस्ट में ओके सो एड एड एंड पोस्ट स्क्रीन ओके सो एड पोस्ट स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएंगे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक तो करेंगे तो यहाँ पे देखें आप आ गए ऐड पोस्ट में अब ऐड पोस्ट में हमने बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा फायर बस डेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ठीक है सो आपने यूज़ करना है यहाँ पर साइज बॉक्स साइज बॉक्स में आप यहाँ पर ऐड so okay? कर दें फॉर एग्जाम्पल हाइट थर्टी पिक्सल एंड देन आप यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ले लें सो लेस से टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ओके एंड यहाँ पर इसकी डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन में यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हिंट एड वट्स इन योर माइंड फॉर एग्जाम्पल वट इज़ इन योर माइंड जो कि फेसबुक का हिंट होता है ठीक है सो so मैंने इसको हिंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एंड यू सी हमारे पास आ गया सो अगेन कॉलम को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ पैडिंग कर देता हूँ पैडिंग एंड इसको हम कर देते हैं ट्वेंटी पिक्सल सो अगेन वट्स इन योर माइंड एंड देन अगेन इस थर्टी पिक्सल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया टेक्सट फ्राम फील्ड से यहाँ बॉटम पर आ गए ओके okay? बॉटम पे आ गए एंड देन यहाँ पे यूज कर लिया राउंड बटन वेजेट जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और इसको मैं टाइटल कर देता हूँ एड ओके एंड देन वी हैव दिस ऑन टैप एंड देन ऑन टैप में हम यहाँ पर आ गए इसको बॉटम में ओके okay, अब ये देखिए हमने स्क्रीन डिजाइन कर ली अब यहाँ पर यूजर कुछ एंटर करेगा ना तो उसको हमने क्या करवाना है स्टोर करवाना है फायरबेस डेटा पे फायरबे डेटा बेस पर ठीक है सो so इनपुट यहाँ पर आप इसका बॉर्डर यूज कर सकते हैं आउट लाइन इनपुट बॉर्डर या सो ये देखें अब आपके ऊपर बॉर्डर ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है एंड मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम और मैक्स लाइन होती हैं आई थिंक सो मैक्सिमम लाइन आई यहाँ पर होती हैं या yeah, yeah, यहाँ पर सो so, अब देखे मैक्सिमम लाइन यहाँ पे फोर करें तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ठीक है विच लुक्स गुड एनविज एंड नाउ अब आप आपने क्या करना है वापस जाना है अपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ बिल्ड में आना है और यहाँ पे देखें एक है फायर स्टोर डेटा बेस एक है रियल टाइम डेटा बेस सो अब आपने किसके ऊपर क्लिक करना है रियल टाइम डेटा बेस के ऊपर रियल टाइम डेटा बेस के ऊपर जब आप आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा यहाँ पर आप देखें आपने क्रिएट करना है डेटाबेस और यहाँ पे आप मेस मेक श्योर करें अपने नियर बाय लोकेशन सेलेक्ट कर लें मैं बाय डिफॉल्ट के साथ जाऊँगा और एक है लॉक मोड और एक है स्टार्ट इन टेस्टिंग मोड तो मैं इसको टेस्टिंग मोड में करूंगा ठीक है अब ये कुछ परमिशन होती हैं उन परमिशन के ऊपर हम बाद में आएंगे ठीक है सो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ये परमिशन को आप किस तरह से बाद में चेंज कर सकते हो सो मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस को समझे और ये आपका जी प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट अब ये आप देखें नल है बाय डिफॉल्ट ठीक है अब हमने क्या करना है वापस जाना है अपने प्रोजेक्ट में और हम यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपको याद है तो मैंने pubspec.yaml डॉट फ़ाइल में आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करवाई थी जिसमें एक थी फायर फायर बेस ऑथ और एक थी फायर बेस डेटा बेस सो यहाँ पर हमारे पास क्या है फायर बेस कोर फायर बेस स्टोरेज फायर बेस ऑथ फायरबेस डेटा बेस हमने नहीं ऐड की दैट्स इन सैन सो अगर हमने नहीं ऐड की नो नो वो हम जाते हैं pubspec.yaml डॉट pub पब डॉट डेफ पे ओके okay, एंड यहां पर हम यूज कर लेते हैं फ़ायरबेस डेटाबेस ठीक है अब फायरबेस डेटाबेस क्या करता है यह आपको प्लगइन है जो कि आपको अलाउ कर देता है फायरबेस रियल टाइम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप इंस्टॉलेशन में आ जाएं ये इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन है जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं पब के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी ठीक है एंड देन जैसे ये डिपेंडेंसी ऐड होगी आपके पास यहाँ एग्जिट कोड जीरो आ जाएगा मेक श्योर मेक श्योर अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें मैं रन नहीं कर रहा हो सकता है मुझे आगे आ रहा आ जाए लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से करें और दोबारा से रन करें वरना ये इस तरह से ऐड नहीं होती देन आप यहां पर फाइनल ओके सो यहां पर हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटा बेस रेफरेंस ठीक है डेटा बेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायर बेस डेटा बेस ओके डॉट इंस्टेंस डॉट अब यहां पर सारी गेम होनी है रेफरेंस ठीक है रेफरेंस अब यहां पर आपको समझ नहीं आएगा लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसको इमेजिन कर लें बस जिस तरह मैं करा रहा हूँ ठीक है अब नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं देन आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लें बूल लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स दैट्स इट अब ये डेटाबेस देख रहे हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंट डॉट रेफरेंस ये बस आप इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे ही रहने दें अब ये क्या किया बेसिकली हमने ना एक टेबल क्रिएट किया एक नोड क्रिएट किया है फायरबेस डेटा बेस के ऊपर ये फायरबेस डेटा बेस का हमने रेफरेंस लिया और उसको हमने बताया कि आपका रेफरेंस है पोस्ट तो जब हम यहाँ पे जाएंगे अपने डेटा बेस में यहाँ पर आएंगे डेटा बेस में ठीक है हमारे जो फायर बेस डेटा बेस है तो यहाँ पर एक आपके पास क्रिएट हो जाएगा नोड या टेबल क्रिएट हो जाएगा ठीक है नोड कहते हैं हम में में आप इसको SQL की ज़बान में समझें तो ये आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और उस पोस्ट वाले टेबल में आपकी सारी पोस्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पर स्टोर होगा सो प्रीटी मच सिंपल इसमें आज सच कुछ खास नहीं है ठीक है देन आपने क्या करना है डेटाबेस में रेफरेंस में आ जाना है और यहाँ पर आप देखें वट इज इन योर माइंड इसको हम कंट्रोलर साइन करना भूल गए सो फाइनल post controller is equal to text editing controller text editing controller that's it save कर लिया post controller अब हमने यहाँ पर assign कर दिया इस controller को okay post controller को what's in your mind then आप यहाँ पर आ जाएँ इस button में ये add वाले में ठीक है जब इसके ऊपर tap करें तो अब हमने क्या करना है post reference database हमारे पास क्या था database reference dot अब यहाँ पर सारी गेम होनी है इसको गौर से देखिएगा ठीक है थीके? अब मैं क्या करूँगा ऊपर मैंने टेबल क्रिएट किया था अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं ठीक है अब जब टेबल आप क्रिएट करते हैं तो उसके चाइल्ड होते हैं ठीक है सो एक टेबल है उसमें रोज़ होती हैं कॉलम्स होते हैं सो उन रोज़ के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं कॉलम्स के अंदर फिर वर्टिकली अब आगे जाके आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा जब आप मैं इसको फर्स्ट टाइम डेटा स्टोर करूँगा फॉर द टाइम बिंग आप ये इमेजिन कर लें कि यहाँ पर ना आप इस पाथ के अंदर ना वन स्टोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग ठीक है एंड देन इसकी प्रॉपर्टी होती है सेट ठीक है अब ये सेट क्या करता है ये आपके लिए डेटा ऐड करता है डबल ब्रैकेट्स और अब आप इसके अंदर आ जाएं ठीक है अब अब यहाँ पर ना जिस तरह मैं कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे करते जाएं ए फॉर एग्जांपल आईडी ओके आईडी एंड देन आप यहाँ पर आ जाएं वन ठीक है सो फॉर एग्जांपल ये इंटीजर सेव कर दें इसको और अब इसके ऊपर मैं ना यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ वन टू उसको मैंने क्लिक किया ठीक है एंड हो फुली यहाँ पर कुछ हमारे पास आ गया हो ओके okay, कंफ्यूज नहीं होना यू नो मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है बट नो वाइस अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कुछ भी नहीं हुआ जी उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं रन पे दाऊँ तो देखें नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर मैथड डेटा बेस्ड रेफरेंस अगेन मैंने कहा था प्रोजेक्ट को रन कर लीजिएगा और दोबारा से रीस्टार्ट कर लीजिएगा सो मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर किल करता हूँ और दोबारा से इसको रीस्टार्ट करता हूँ ओके okay बॉयज़ uh, एक चीज़ अगेन uh, मैं मेंशन कर देता हूँ दिस इज़ फॉर आईओएस यूजर्स ठीक है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नहीं है क्योंकि मैं आईओएस पे टेस्टिंग कर रहा हूँ सो तो इस वजह से नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी तो आपने क्या करना है टर्मिनल में आके सीडी लिखना है ताकि आप अपनी करंट डायरेक्ट्री में चले जाओ सॉरी आप यहाँ से आ जाओ टर्मिनल में ठीक है सो टर्मिनल में देखो आप अपने प्रोजेक्ट में हो आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है ठीक है मेरा डेस्कटॉप टॉप है तो डेस्कटॉप के ऊपर अब आपने क्या करना है सी डी आई ओ एस करंट डायरेक्टरी से अब आप आपने आई ओ एस वाले फोल्डर में यहाँ पर चले जाना है ये आपका आपका फोल्डर है तो यहाँ पर आपने लिखना है पॉट्स अपडेट अब पॉट्स अपडेट क्यों इसलिए क्योंकि जब भी पासपेक्ट डॉट यामिल फाइल में आप कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो आपने अपने पॉट्स को अपग्रेड करना होता है ठीक है सो वो आपके लिए उस जो प्लगन आपने ऐड किया उसके इक्वल इक्वलेंट आपके लिए सारी चीज़ों को आम, आयो के लिए वो कन्वर्ट कर देता है ठीक है एंड्रॉयड के लिए एज सच कुछ नहीं करना है आपने इस प्रोजेक्ट को किल करना है दोबारा से रन कर लेना है सो so, जैसे ही डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती हैं हमने अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे और फिर वो रन हो जाएगा ठीक है सो so, अगर आप, आपने ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो मे बी आप स्टक हो गए और आपका प्रोजेक्ट रन ना हो रहा हो तो मेक श्योर आई वाले यूजर्स इस प्रोसेस को फॉलो करें एल्स यू गाइज विल स्टक एंड इट वुल कॉस्ट यूर लॉर ऑफ़ टाइम ओके सो नाउ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने ये सिंपल दो से तीन लाइन का कोड लिखा है और इसमें ही हमारी पोस्ट जो है हमारा जो डेटा है वो फायरबेस डेटा डेटा बेस में जाकर स्टोर हो जाएगा सो इट मीन्स कि हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया सो इसकी वजह मैंने टैप किया तो हुआ ये कि यहाँ से ये क्यूरी मैंने लिखी हुई है ये रन हुई और हमारे फायरबेस डेटा बेस के ऊपर हमारा जो कोड है वो स्टोर हो चुका है बट अभी ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पर आप जाए अपने प्रोजेक्ट में ठीक है कंसोल फायरबेस डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन करें अपने प्रोजेक्ट में जाएं अपने प्रोजेक्ट में जाएं और यहां से आप अपने रियल टाइम डेटाबेस में आए तो यू विल सी कि यहां पर कुछ डेटा अब आप आपको यहां पर शो हो जाएगा तो ये देखें जी आपकी ये पोस्ट और ये चाइल्ड और इस चाइल्ड के अंदर फिर कुछ डेटा है अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है रिमेंबर अभी तक आईनो आप लोगों को समझ नहीं आई फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये हमने क्या किया फायरबेस डेटा बेस का इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमने रेफरेंस क्रिएट किया अब यहाँ पर और उसको नेम दे दिया पोस्ट अब यहाँ पर ये पोस्ट एज अ टेबल का काम करता है आपने एक टेबल क्रिएट किया है ठीक है इसको हम फायरबेस में नोड कहते हैं हमने एक नोड क्रिएट किया है अब हम जब भी डेटा का रेफरेंस लेंगे और हमें ये पता होगा कि ये पोस्ट इसका नेम है पोस्ट तो जब भी यहाँ पर आप इसका रेफरेंस लेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा देख लें यहाँ पर आपके पास ये पोस्ट क्रिएट हो चुका है ठीक है अब नेक्स्ट थिंग ये क्रिएट हो गया अब आप नेक्स्ट थिंग जब आप आपके पास यहाँ पर इसका रेफरेंस आ गया इस टेबल का ठीक है इस पोस्ट का आपके पास टेबल का रेफरेंस आ गया नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना आप जब आप फॉर एग्जांपल यूज़र ने कुछ यहाँ पर एंटर किया आपकी इस डिवाइस में ठीक है सो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी सो ठीक है ये देखें ये कुछ इंटर किया अब यहाँ पर आप इसको कह दें फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल कह देना ठीक है और अब आप यहाँ पर आ जाएँ और इसको प्रोवाइड कर दें आपका जो पोस्ट कंट्रोलर है डॉट टेक्सट डॉट टू स्ट्रिंग ठीक है सेव कर लें सेव करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मैं वापस जाऊँ अपने सफारी ब्राउज़र में ठीक है अपने डेटा में तो ये देखें ये रिप्लेस हो चुका है टाइटल के साथ अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है ना वो आपको समझनी ये है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ इस तरह हो जाएगा नहीं हो रहा सो मैं क्या करता हूँ मैं इसको और यहाँ इस साइड ले जाता हूँ और और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अब देखिएगा इसको काइंडली प्लीज़ समझिएगा ऊपर मैंने आपको बताया डेटा का रेफरेंस सो मैंने इस पोस्ट का रेफरेंस ले लिया अब इस पोस्ट के नीचे ये देखें ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है वन ठीक है जिसकी आई इसको मैंने दी है यहाँ पर वन अब ये इसको आईडी मिल गई और इस चाइल्ड के फिर ये सब चाइल्ड्स हैं टाइटल ये इसका एक टाइटल है ठीक है अब देखें ये होती है की और ये होती है वैल्यू अब यहाँ पर की और वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इसको कह दें कि आई ओके अब आईडी डी यहाँ पर वन कर दें इसको सेव कर दें ठीक है और आप वापस जाएं और यहाँ से अगेन इसको क्लिक करें तो ये देखें अब आपके पास एक नया पैरामीटर कहाँ पर ऐड हो गया पहले आपके डेटा बेस का रेफरेंस ले लिया पोस्ट का अब पोस्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं पोस्ट को हम कह रहे हैं कि आपका एक चाइल्ड होगा जिसकी चाइल्ड की आईडी होगी वन और उसमें हम डेटा सेट कर रहे हैं कौन सा टाइटल और आईडी का ठीक है सो ये हम क्या कर रहे हैं डेटा सेट कर रहे हैं सो इस तरह से हम डेटा बेस में इंसर्ट करते हैं एक चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये यह चाइल्ड है वन तो जब भी आप कोई डेटा यहाँ पर स्टोर करेंगे तो वो इस चाइल्ड के अंदर इस चाइल्ड के अंदर जाके अपडेट हो जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी अब आई चेंज कर दें सेव कर दें और अब आप इसके ऊपर क्लिक करें ठीक है तो अब देखें एक नया चाइल्ड क्रिएट हो गया और चाइल्ड कहाँ पर क्रिएट हुआ है इस पोस्ट के और इस पोस्ट के नीचे देखें एक नया चाइल्ड क्रिएट हो गया जिसकी आईडी है एंड देन आप उसके पास टाइटल है ठीक है इस तरह से आप डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं लेकिन अभी ये करेक्ट वे नहीं है ठीक है सो so अभी बेसिकली ये करेक्ट वे है लेकिन इस तरह से हम नहीं करते अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी पोस्ट जो है वो फायरबेस uh, डेटा uh, के ऊपर ऐड हो गई है इंसर्ट आपने डेटा को इंसर्ट कर लिया है तो उसके लिए यहाँ पर फिर एक देन फंक्शन आता है ठीक है ये फ्यूचर फंक्शन होते हैं सो इट मीन्स कि ये कंप्लीट हो गया है एंड अगर आपके पास एरर आ जाता हो आप यहाँ पर एक्सेप्शन कैच कर सकते हैं और एक्सेप्शन के लिए हमने क्या किया था यूट्यूब्स क्लास को इम्पोर्ट किया था एंड देन आप यहाँ पर उसमें एक टोस्ट मैसेज हमने एक मैसेज लिखा था ठीक है और यहाँ पर आप इसको एरर डॉट पैराट डॉट टू स्ट्रिंग करवा सकते हैं और सेव कर दें अगेन आप वापस यूटिल्स में आ जाएं और यहाँ पर आप टोस्ट uh, मैसेज में आप यहाँ पर इसको शो करवा दें फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पोस्ट एडिट आप पोस्ट एडिट उसको सेव कर दें Now अगेन अब देखिएगा ठीक है अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेव जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पोस्ट एडेड आपके पास यहाँ आप पर लिखा हुआ आ गया लेकिन लोडिंग शो नहीं हो रही तो ऊपर आपको याद हो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया था लोडिंग के नेम से सो यहाँ पर आप इसको कह दें जी लोडिंग ओके लोडिंग लोडिंग इसको ये प्रोवाइड कर दें एंड देन आप यहाँ पर क्या करेंगे सेट स्टेट ओके लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू ओके okay? सो so, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं लोडिंग ट्रू और देन में आपने क्या करना है फॉल्स एंड देन आपने अगेन एरर आ जाए तो यहाँ पर आपने इसको क्या करना है फॉल्स ताकि आपको ये इजीली समझ आए ठीक है सो ये आपने कर दिया सेफ uh, कर दिया अगेन अब आप इसको रन करें देखें पोस्ट एडिट और यहाँ पर ये लोडिंग गोन और अब अब देखिएगा अगेन मैं आपको समझाता हूँ अब आप यहाँ पर आ जाए ठीक है अगेन इसमें बहुत ही सिंपल है आपने सबसे पहले क्या किया Firebase Database डेटा बेस इंस्टेंस क्रिएट किया और जिसमें आपने ये पोस्ट का रेफरेंस ले लिया अब यहां पर अगर आप नोट चेंज करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेस्ट ठीक है अब देखें ये चेंज हो गया अब ये हमारे लिए नया रेफरेंस क्रिएट करेगा ठीक है टेस्ट के नेम से एक और टेबल क्रिएट करेगा और यहाँ पर ये यह नीचे आएगा और नीचे आएगा और टेस्ट में फिर एक और चाइल्ड ऐड करेगा जिसकी आईडी डी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ आसिफ अब आईडी आसिफ होगी ठीक है और टाइटल की जगह यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आई की जगह फॉर एग्जाम्पल ए ए बी डबल ए कर देते हैं ठीक है जस्ट फॉर टेस्टिंग आगे जाके मैं एक आपको एक क्लियर एग्जाम्पल समझाता हूँ सो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो हा हाउ आर यू ठीक है इसको मैंने सेव किया इसको मैंने यहाँ पर सेव किया सेव हो रहा है या नहीं हो रहा सो so, सेव हो रहा है इसको मैंने सेव किया आगे यहाँ से देखें मैंने क्लिक किया पोस्ट एडिट अब आप वापस फायरब्रेस डेटा बेस पे जाए तो यहां पर देखें एक है पोस्ट और अब आपके पास एक नया रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसको रिफ्रेश कर लें ताकि आपके पास डेटा रिफ्रेश फॉर्म में यहाँ पर आ जाए वैसे तो ये खुद आ जाता है लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट ये क्यों नहीं आया सो द रीज़न इज द रीज़न इज कि अब आप वापस जाएं यहाँ पर और दोबारा इस स्क्रीन पे आए तो आपके पास जो कोड है ना वो दोबारा से रन हो चुका होगा ठीक है अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखें फॉर एग्जाम्पल हैलो एंड देन इसको सेव करें तो यहाँ देखें नया नोड क्रिएट हो चुका है फर्स्ट टाइम क्यों नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं हुआ था कि जब हम um, हॉट रीलोड करते हैं तो वो यहाँ से कोड रन होता है ऊपर से नहीं होता ठीक है सो so वो यहाँ से चेंजेज एक्सेप्ट करता है तो इसलिए अब हमने दोबारा से इस स्क्रीन पे आए तो इस तरह से आप मल्टीपल नोड क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से आप मल्टीपल डेटा क्रिएट कर सकते हैं बट देखें अब इतनी ज़्यादा आईडीज़ होती हैं ना आप आईडीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगे उसको प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना वो ये है कि ये आईडीज़ बहुत मैटर करती हैं ये पोस्ट आईडी देखें इसकी बेस के ऊपर आप इस फुल को डिलीट करेंगे आगे जाके मैं सिखाऊंगा इसकी बेस के ऊपर इस आई की बेस के ऊपर आप इसका डेटा मोडिफाई कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर ये आई डी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन आई को एक यूनिक नेम किस तरह से दिया जाए यूनिक वे में इन आई को नेम किस तरह से दिया जाता है जो मैं मैथड यूज़ करता हूँ पर्सनली और जो मुझे पसंद है वो मैं आपको सिखा देता हूँ इसके अलावा आप इससे भी अच्छा मैथड अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं अब देखें ये चाइल्ड है ना ये आसिफ है ठीक है अब इस आसिफ का इशू ये है कि अब आप वापस यहाँ पर आएँ ठीक है देखें ये आसिफ ये चाइल्ड का नेम है और इसमें आई डी uh, है वन और डिस्क्रिप्शन है हेलो अब नेक्स्ट टाइम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नई पोस्ट कर देना चाहता हूँ हेलो आसिफ ताज ठीक है तो यहाँ पर देखें मैंने इसको ऐड किया और ये आपके पास डेटा हो गया रिप्लेस होना ये चाहिए था होना ये चाहिए था कि अब ये देखें ये एक नया चाइल्ड बनता और नीचे आ जाता ना लेकिन क्योंकि आपके पास आईडीज़ यूनिक नहीं है तो वो उसकी वजह से इंसर्शन में उसको इशू आ रहा है तो इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे चलो हम अब इसको देखते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे पसंद है आपने क्या करना है डेट एंड टाइम ओके डेट एंड टाइम डॉट ओके डेट एंड टाइम डॉट नाउ डॉट डॉट ओके डॉट मिली सेकेंड्स यूज कर लें ठीक है मिली सेकेंड्स क्यों क्योंकि मिली सेकेंड्स टाइम हर टाइम चेंज हो रहा होता है पुराना वाला टाइम नहीं रहता एक नया टाइम आ जाता है तो जब आप इसको मिली सेकेंड्स में यहाँ पे आईडी दे देते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट हो जाता है सिमिलरली यहाँ पर आप आ जाएं आईडी और अब आप इसको रिप्लेस कर दें आई के साथ एंड देन आप यहाँ पर आ जाए डिस्क्रिप्शन और यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह दें टाइटल सेव कर दिया ऊपर जाते हैं अगेन और अब मैं आपने इसको यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्ट सेव कर दिया मैंने ठीक है और अगेन मैं यहाँ से वापस आऊँगा ताकि मेरा ये सारी चेंजेस दोबारा से ऑब्ज़र्व हो जाएँ और मैं वापस जाता हूँ फायर बेस डेटा बेस में और ये पोस्ट देख रहे हैं और ये टेस्ट इन दोनों को ना मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मैंने देखें आपके पास साइन भी आ रहे हैं इसको मैंने डिलीट कर दिया अब मेरे पास डेटा में कोई नया डेटा नहीं है अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ हेलो ओके सो so, हेलो जैसे ही मैंने क्लिक किया पोस्ट एडेड और देखें ये अब एक यूनिक आईडी आ चुकी है आपके पास ठीक है अब नेक्स्ट टाइम मैं अगेन हेलो अगर ऐड करता हूं ना तो देखें एक नया चाइल्ड ऐड हो रहा और ये लिस्ट बनती जा रही है पोस्ट के अंदर ठीक है सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि अब इस चाइल्ड के अंदर एक और सब चाइल्ड क्रिएट करना चाहते हैं डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी बड़ा सिंपल है आप वापस आ जाए यहां पर ओके एंड देन देखें ये चाइल्ड है ना अब इसका एक और सब चाइल्ड यहां पे ऐड कर दें ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल कॉमेंट्स ठीक है कॉमेंट्स या आपने कॉमेंट्स ऐड कर दिए सेव कर दें इसको और अब आप वापस जाए यहां पर ऐड कर दें तो अब आप देखें ये जो थर्ड पोस्ट आपके पास क्रिएट हुई है ठीक है सो इसका देखें ये है कमेंट्स और फिर कमेंट्स के अंदर आपके पास ये तमाम चीज़ें देखें ये ऐड हो गई हैं एक और सब चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया है ठीक है सो अगेन इस कमेंट्स के अंदर फिर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं वो जब मैं आपको फायर वे सोशल मीडिया अपलिकेशन बनाना सिखाऊंगा ना तो उसके अंदर मैं फुल एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन आप आप यहाँ पर देखें कि आप इजीली किसी भी किस्म का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैं चाइल्ड को रिमूव कर दूँगा फॉर द टाइम बिंग इतना इतना इस कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत है ठीक है सो so अगेन मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऐड एड एड ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ देखें फायर बेस डेटा बेस के अंदर नए चाइल्ड ये बहुत सारे चाइल्ड बन गए हैं ठीक है सो so, इस तरह से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से आप डेटा के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो डेटा हमने ऐड किया है उसको हम किस तरह से फैच करके शो करवा सकते हैं सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन